जय हिंद टू एवरीवन। दिस इज द डिफेंस उस्ताद यानी कि अरुण सिंह तोमर। तो भैया देखो, अब हम करने जा रहे हैं सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, सारी कैटेगरीज के करंट अफेयर्स हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के हम करंट अफेयर्स कर चुके हैं, जो आपकी सीडीएस और एनडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि भाई अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक हमें करंट अफेयर्स करने हैं। दिसंबर तक के करंट अफेयर्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किए जा चुके हैं, और सितंबर का ये वीडियो है। तो उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के वीडियोस आने बाकी हैं। ठीक है, वो भी आपके जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। इस मतलब मार्च के एंड तक पूरे हो जाएंगे। 15 दिन बचेंगे आपके पास सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए। मल्टीपल रिविजन्स आप तब तक उनके लगाइए, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हाई प्रायोरिटी वाले करंट अफेयर्स ही हमने सिर्फ इंक्लूड किए हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग नेशनल और डिफेंस से। ठीक है, नेशनल प्लस डिफेंस की पहली कैटेगरी है। तो भाई देखो, मिलिट्री कैंप जो है किबिथू में, वो जनरल बिपिन रावत के ऊपर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बेस्ड है ये किबिथू मिलिट्री गैरिसन नाम है इसका। तो इंडिया के पहले जो सीडीएस है, दैट इज जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, रावत जो थे, जनरल रावत जो थे, उन्होंने अपनी बटालियन 511 गोरखा राइफल्स, वो किबतू में 1999 से लेके 2000 तक कमान की थी एज अ यंग कर्नल, और इस एरिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो भाई किबतू की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली है, तो वो आपको देखना है। इसकी लोकेशन पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए, जो चाइना की आर्मी है, वहां पे रीमा पोस्ट के अपोजिट में है। ठीक है, रीमा पोस्ट के अपोजिट में चाइना के पीएलए की पोस्ट है, और ये जो मिलिट्री गैरिसन है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी को पूरा ओवरलुक करता है। किबिथू एलएसी के पास में सिचुएटेड है, ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री गैरिसन में आता है इंडिया का, और लोहित वैली का जो इलाका है, जो माउंटेनियस रीजन है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, वहां पर सिचुएटेड है। यहाँ पर मेयर और जर्किन ट्राइब्स जो है वो रहते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 5 मेंबर कमिटी टू रिव्यू फार्मा कंपनीज प्रैक्टिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर कमिटी बनाई है, ताकि एक लीगली इन्फोर्सिबल मैकेनिज्म जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए बनाया जा सके। वीके पॉल जो है नीति आयोग के मेंबर हैं, वो इस कमेटी को लीड करेंगे। इसके साथ एस अपर्णा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की सेक्रेटरी हैं, वो भी रहेंगी। नितिन गुप्ता, जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है, वो भी इंक्लूडेड है। राजेश भूषण, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ एक जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये 4 मेंबर्स ना इस हाई लेवल कमिटी के मेंबर्स है। ठीक है, तो अब यूसी पीएमपी क्या है बेसिकली? तो यूनिवर्सल कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ये क्या बोलते हैं, ये जनवरी 2015 में इफेक्ट में आया था, ये कोड बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली ये इलेक्टिव है, लेकिन अभी कोई लीगल पेनल्टी इस कोड को वायलेट करने के लिए नहीं है, ये जनरल प्रैक्टिस के तौर पे है। नेक्स्ट आते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। तो भाई जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको एशियन नोबल भी कहा जाता है। ठीक है, एशियन नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। तो ये रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है, इसका 64th एडिशन जो है अवार्ड का, 2 सितंबर 2022 को दिया गया। 4 लोगों को इस फाउंडेशन में प्राइज दिया गया, जिसमें से 3 डॉक्टर हैं, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, क्या बोलते हैं, और सॉरी, हाँ, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ठीक है, इसको नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो भाई इसमें सबसे पहले हैं, वो हैं आपके सुथेरा सिम, ये साइक्रेटिस्ट हैं कंबोडिया के। बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं खमेर रूस के, आपने नाम काफी बार सुना होगा। खमेर रूस का जो रूल था, उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं ये। दूसरे तदाशी हचोरी, ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, सॉरी ऑप्थमोलॉजिस्ट हैं जापान के। ये लोकल डॉक्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया है, जो वियतनाम के आई डॉक्टर्स हैं, आई पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीट किया है। ठीक है, तीसरी है बर्नेट मैड्रिड, ये पीडियाट्रिशियन है फिलीपींस की। तो भाई देखो, फिलीपींस में क्या है कि पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, इस तरह की बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन सारे चैलेंजेस को इन्होंने मतलब टैकल किया है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया है, अवेयरनेस बढ़ाई है, पॉलिसी मेकर्स का ध्यान और सिविक्स ग्रुप का ध्यान इस तरफ खींचा है। सबसे लास्ट में आते हैं गैरी बैंक हैवे, ये एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर हैं इंडोनेशिया से।
बेसिकली फ्रेंच फिल्म मेकर हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022। तो भाई ये जो अवार्ड है वो वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया। इसके बाद अब मेजर खबर, इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम है INS विक्रांत, नया कमीशन इंडिजीनियस मतलब खुद का इंडिया में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इससे पहले वाला जो आपका इसका प्रेडिसेसर था उसका नाम भी INS विक्रांत ही था। जो INS विक्रांत था इसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान में। विक्रांत का मतलब होता है विक्टोरियस एंड गैलेंट, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी कुछ हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो भाई सबसे पहले एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब INS विक्रांत की कमीशनिंग के साथ इंडिया जो है वो एक एलीट नेशंस के ग्रुप में शामिल हो गया है, जो इंडिजिनसली खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। अभी तक इसमें US, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK हैं, जो ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्रैच से डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, डिजाइन डेवलपमेंट, जो डिजाइन है INS विक्रांत की, ये वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB इंडियन नेवी का इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिजाइन किया है और कंस्ट्रक्शन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, एक PSU आता है, ये मिनी रत्न की कैटेगरी में आती है। तो इंडिजिनसली डेवलप के ऊपर देखें तो फिर भाई एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये सब कंट्री के अंडर से ही आए हैं, ठीक है। स्टील जो भाई आपका यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने प्रोवाइड कराया है विद कोलैबोरेशन विद विद कोलैबोरेशन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL एंड इंडियन नेवी। फिर रहता है स्ट्रोबार ऑपरेशन मोड, तो भाई INS विक्रांत का जो फ्लाइट डेक है ना, ये एक यूनिक डिजाइन में बनाया है, मतलब स्ट्रोबार वाली डिजाइन है, ठीक है। स्ट्रोबार का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फिगरेशन, जिससे इसकी चंकी हेल्थ से शॉर्ट रनवे में एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाया जाता है। नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट होस्टेड, तो भाई INS विक्रांत जो है ये एक फुल फ्लाइट टेक 30 फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रेजेंटली भी MiG-29K है, इनको होस्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ कैमोव 31AEW हेलीकॉप्टर भी, इसके साथ साथ MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, मरीन वर्जन वाले, ये सब भी इस पे होस्ट हो सकते हैं। वेपन्स के टर्म में हाईटेक वेपन्स जैसे कि बैरिकेड सरफेस टू एयर मिसाइल भी यहाँ पर। सबसे लास्ट में टू एयरक्राफ्ट कैरियर, तो INS विक्रांत के साथ साथ हम कमीशन होने के साथ साथ इंडिया के पास अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे। INS विक्रमादित्य R-33 को ज्वाइन करेगा, जो रशियन ओरिजिन मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो 2013 में कमीशन हुआ था। फिर इंडियन नेवी के न्यू इंसाइन पे बात कर लेते हैं। नया इंसाइन जो है कंप्लीटली रिडिजाइन किया गया है, सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है उसको हटा दिया गया है, जो प्री इंडिपेंडेंस इरा से चला आ रहा था रॉयल इंडियन नेवी के साथ। तो की एलिमेंट्स बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं नए एवल इंसाइन में। अब जो है इंडियन नेशनल फ्लैग है, ये तो भाई आप फ्लैग जो है वो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब क्या है एक ऑक्टागोनल जो शील्ड है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। ऑक्टागोनल शील्ड है, इसका गोल्डन बॉर्डर आप देख सकते हो, नेशनल एम्बल है इसके टॉप पे, उसके नीचे एंकर बना हुआ है, एंकर के नीचे इंडियन नेवी का मोटो सह नो वरण जो है वो डिजाइन है। अगर हम इसमें स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंसेस देखें सब चीजों की, तो जैसे गोल्डन बॉर्डर है, गोल्डन बॉर्डर जो ऑक्टोगोनल शील्ड के लिए चूज किया गया है, ये सील है इंडियन एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये उनकी सील को सिग्निफाई करता है, जिसका मतलब होता है स्टीड फास्टनेस। नेक्स्ट, ऑक्टोगोनल जो शील्ड है, ये ऑक्टोगोनल शील्ड जो है की एलिमेंट है नेवल इंसाइन में, ये एट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टी डायरेक्शनल रीच एंड मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द नेवी। नेक्स्ट, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर जो है ये ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, और नेशनल एम्बलम जो है एंकर के ऊपर है, इसका मतलब है स्टीड फास्टनेस ऑफ द इंडियन नेवी। और सबसे लास्ट, नेवी का मोटो सह नो वशम नो वरुण, ये एक वैदिक मंत्र है जो वरुण भगवान को के बारे में बताता है, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पर इस्ड है। फिर इंडियन एयरफोर्स के नए बेस की बात करते हैं, जो लद्दाख में सेटअप हो रहा है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है इसको,
तो जो नया एयरबेस है ये लद्दाख रीजन में सेटअप किया जाएगा, तकरीबन 500 हेक्टेयर के रीजन में इसको सेटअप किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है उसके अंडर में। ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल को मैं तकरीबन 508 हेक्टेयर का जो एरिया है ये लिया, मतलब प्रपोज किया गया था शेंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से, ठीक है, कि भाई जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर हम IFEOS बनाना चाहते हैं। तो जो अप्रूवल है उसमें बहुत सारी कंडीशंस पुट अप की गई हैं आईएफ के लिए, जिसमें आपके कंपेंसेशन चार्ज हैं जो इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए होंगे वो लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे मीजर्स और एप्लीकेबल होंगे जिससे जो इकोलॉजी है रीजन की वहां पे ज्यादा डैमेज ना हो, डैमेज कम से कम। तो भाई प्लान जो है उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होगी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, उसने भी अप्रूवल इनको दे चुका है। तो भाई इसके साथ साथ अब कुछ और की डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं जो लद्दाख में अप्रूव किए गए हैं। सबसे पहले माहे फील्ड फायरिंग रेंज MFFR नोटिफिकेशन। तो भाई माहे फील्ड फायरिंग रेंज है, ये 2014 तक ऑपरेशनल थी, ठीक है, एक ओनली फैसिलिटी के टाइप पे डेवलप थी जहां पर आप सब तरह के वेपन सिस्टम का टेस्ट कर सकते थे, ठीक है। ये जो रेंज है ये भी आपकी शेंगथांग सेंचुरी में थी, 1200 समथिंग हेक्टेयर में फैली हुई थी, बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे ही मौजूद थी। तो भाई बैटल प्रिपेयरनेस जो आर्म फोर्सेस की है, मतलब आपकी जो भी टैंक रेजिमेंट्स है और बाकी मैकेनाइज्ड इन यूनिट्स वगैरह हैं यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छे तौर से कर सकती थी, तो उसको रीनोटिफाइड कर दिया गया है और इंडियन आर्मी अब इसको ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पे दोबारा यूज करेगी। फिर दो की रोड के बारे में बताया है जो इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में अप्रूव हो गई है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको NVWL, ठीक है, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है। पहली है खालसार अगम रोड और दूसरी है टी सालू और ITBP बॉर्डर आउटपोस्ट शांग शेमो रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये लॉजिस्टिकल पाथवेज के तौर पे इंडियन आर्मी के लिए हेल्प करेंगी, खासकर हथियार और गोला बारूद एम्यूनिशन को कैरी करने के लिए। NVWL ने और भी कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मतलब की ग्रीन लाइट दी है, उसमें से एक है इंडियन आर्मी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो बॉर्डर विलेजेस में वो बिछाना चाहते हैं। इसमें जो भाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लद्दाख की, उनको फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ये जो बोर्ड है इसने इसके साथ साथ एक नोमेडिक म्यूजियम है न्यू मेलाउंग में, ठीक है, और उसके साथ साथ स्नो बाउंड इजरो रोड लिंकेज है, ये सब फैसिलिटीज यहाँ डेवलप की जाएंगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेत्र ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑन माउंट सरस्वती टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड विद द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हानले। बेसिक खबर है। अब आता है इंडिया लॉन्चेस स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। तो ये तारागिरी जो है वो फिफ्थ स्टेल्थ फ्रिगेट है, P-71A प्रोजेक्ट का मुंबई में लॉन्च किया गया है। हिल रेंज है हिमालयाज में, गढ़वाल उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। जो शिप्स आपके प्रोजेक्ट 17 है फ्रिगेट्स के हैं, ये एडवांस वर्जन है P-17 फ्रिगेट्स के जो शिवालिक क्लास के थे। तो तारागिरी और बाकी की जो शिप्स हैं ये इन हाउस जो इंडियन नेवी की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उन्होंने डिजाइन किए हैं। अब हम आते हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज वॉस्तोक 2022, इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेगा मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज वॉस्तोक 2022। बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ककाडू। तो ऑस्ट्रेलियन नेवल एक्सरसाइज है, बाइनली करी जाती है, 2 साल में एक बार होती है ये। 14 देशों से ज्यादा की कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये सब इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। तो भाई देखो इंडियन आर्मी की हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स जो है लद्दाख सेक्टर में, वहां पर बैटल प्रिपेयरनेस कैसी होती है इसके लिए एक्सरसाइज पर्वत प्रहार की जाती है, और इसमें विजिट किया था आर्मी के चीफ ने भी। फिर आते हैं जिमैक्स 2022। जिमैक्स जो है 6th एडिशन है जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज का, इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया, 6th एडिशन है और ये बे ऑफ बंगाल में किया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पे आते हैं, एक्सरसाइज सिनर्जी। एम्स में जो रैंसमवेयर का अटैक हुआ था उससे आप लोग परिचित होंगे, तो उसी के बेसिस पे भाई भी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। किसने कंडक्ट किया? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN, इन्होंने सिनर्जी नाम की एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इन कोलेबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर, द
तकरीबन 13 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये कंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रिजिलेंस वर्किंग ग्रुप के अंडर में, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एनएससीएस ने इसको लीड किया। इसका एम है टू काउंटर रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? ये एक मैलवेयर होता है जो बेसिकली आपके सिस्टम में अगर घुस जाए तो फिर भाई आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इनक्रिप्टेड कर देते हैं इसको, और फिर एक फिरौती यानी कि रैंसम मांगी जाती है उसके डिक्रिप्शन की को देने के लिए। एम्स वाला कांड आप लोगों को याद होगा। फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने दो डाइविंग सपोर्ट वे वेसल्स जो हैं उनको लॉन्च किया। तो भाई दो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स जो हैं एचएएल विशाखापट्टनम में लॉन्च किए गए। ये अपनी तरह के फर्स्ट ऑफ अ काइंड इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा। वीएसवीज बेसिकली सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए काम में आते हैं। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी भी इनमें यूज किया जाता है। अब अगेन यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे अपॉइंट किए गए। तो जो आपके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जहां से वो अपनी मतलब जिस डेट से वो चार्ज एज्यूम करेंगे। इसके साथ साथ वो एक एडवाइजर के तौर पे भी काम करेंगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे। सवाल आपसे पूछा जा सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ सीडीएस, तो भाई ये चीजें आ सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से हम क्या समझते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस डिफेंस स्टाफ मिलिट्री हेड होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ठीक है। इसके साथ साथ हाई रैंकिंग यूनिफॉर्म ऑफिसर होते हैं एक्टिव ड्यूटी पे, चीफ मिलिट्री एडवाइजर रहते हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसके साथ साथ हेड रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड रहते हैं, एंड एक वाइस चीफ और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो इनको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नागा मिर्चा फेस्टिवल। तो भाई देखो, पहला नागा मिर्चा जिसको हम बोलते हैं किंग चिली, ये जो फेस्टिवल है 2022 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोहिमा में, ठीक है, साइगेमा गांव है कोहिमा में, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नागालैंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। चीफ मिनिस्टर का माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव भी जो है वो उस दौरान लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर का माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है ये, नागालैंड गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसमें इजी एक्सेस रहे, एग्रीकल्चर उससे जुड़े सेक्टर्स जो है एमएसएमईज वगैरह है यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए क्रेडिट एसेस के लिए ये जो फाइनेंस इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है। नागा मिर्चा की बात करें तो इसको राजा मिर्चा या फिर किंग चिली कहा जाता है। टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज कोवाइल हीट यूनिट्स पे इनको मेजर किया जाता है, तो भाई ये आती है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है नागालैंड को, ठीक है। इसको भूत झोलकिया कहा जाता है या फिर घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। ये जेनस कैप्सिकम है, एक सोलानेई फैमिली इसको बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, यूपी बिल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर। तो ये उत्तर प्रदेश ने तकरीबन 8,462 अमृत सरोवर जो है मोदी गवर्नमेंट के मिशन अमृत सरोवर के अंडर में बना चुके हैं, जिसमें पानी को बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो भाई बाकी टॉप परफॉर्मर्स कौन है? बाकी टॉप परफॉर्मर्स आपके मध्य प्रदेश 1,668, जम्मू कश्मीर 1,458, राजस्थान 858 और तमिलनाडु 818 लेक्स इसके अंडर में बनाए जा चुके हैं। अमृत सरोवर जो मिशन है इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रैल में लॉन्च किया था, अप्रैल वाले करंट अफेयर्स में मैंने इसको कवर किया था, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, रिजुमिनेट करना है वाटर बॉडीज को सारी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 का टारगेट रखा गया, ठीक है। इसको लेके जो करंट अफेयर्स सीरीज का क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने कवर किया था। तो इस इनिशिएटिव में तकरीबन 50,000 वाटर बॉडीज हैं जिनकी साइज तकरीबन 1 एकड़ का है, उनको क्रिएट किया जाएगा। ओवरऑल मिशन है कि 15 अगस्त 2023 तक हर अमृत सरोवर जो है उसके पास 10,000 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है वो डेवलप किए जाए। फिर आता है आरईसी लिमिटेड अकॉर्डेड महारत्न स्टेटस। तो भाई आरईसी जो लिमिटेड जो है वो 12th कंपनी है जिसको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। ये क्या बोलते हैं, इससे जो आपकी ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक्सरसाइज है, सॉरी हाँ, जो आपकी ये आरईसी लिमिटेड जो है इसको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट से लेके फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर्स, हुली ओन्ड सब्सिडरीज और मर्जर्स और एक्विजिशंस जैसे फैसले इंडिया या फिर इंडिया से बाहर ले सकते हैं। तो भाई
जो पावर होता है वो रहता है उनकी नेट वर्थ का 15% सीपीएसई का, मतलब 5,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में वो लगा सकते हैं। इसके साथ साथ स्कीम्स जो उनके पर्सनल से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो भी खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। महारत्न स्टेटस से आरईसी जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस और बाकी कंपनीज के साथ में बना सकता है। ठीक है, तो भाई महारत्न स्टेटस बेसिकली होता क्या है, 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। महारत्न स्टेटस जो है वो सीपीएसई को यानी कि पीएसई को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको ग्लोबल जाइंट्स के तौर पे खड़ा किया जा सके। ये किस किस को दिया जाता है, एलिजिबिलिटीज आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो भाई ऐसी सीपीएसई जिनको 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले 3 लगातार कंसेक्यूटिव सालों से हो रहा, ठीक है, और इसके साथ साथ एवरेज एनुअल टर्नओवर उनका 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए पिछले 3 सालों में, एवरेज नेटवर्थ उनकी 15,000 करोड़ होनी चाहिए 3 सालों से, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए और काफी इफेक्ट होना चाहिए। अब आरईसी क्या है, आरईसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1969 में। इसका पर्पस है टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर, बिजली से रिलेटेड है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को मदद देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज को ये लोग हेल्प करते हैं, पैसा देते हैं। नेक्स्ट इज आर वेंकट रमानी, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहले बातें चल रही थी कि मुगल रोहतगी को द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 76 का यूज करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर वेंकट रमानी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी बनते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटीज हैं, वो होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहता है, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो इनको अपॉइंट करवाती है, तो उनके हिसाब से ही ये चलते हैं। जब उस गवर्नमेंट गिरती है तो इनकी पोजीशन भी चली जाती है, मतलब खुद ही रिजाइन कर देते हैं। कोई प्रोसीजर नहीं है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा है दोनों की प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पीएमईजीपी पे, ये बेसिकली क्या है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री की, ठीक है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आरईजीपी जो था उसको सबस्यूम कर लिया, मतलब उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये केवीआईसी के द्वारा इंप्लीमेंटेड है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के द्वारा इंप्लीमेंट करी जाएगी। इसका पर्पस है क्या बोलते हैं, टू बूस्ट जॉब्स थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड फैक्ट्रीज इन रूरल एंड अर्बन रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भाई जो केवीआईसी है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये नोडल एजेंसी है, नेशनल लेवल पे इस स्कीम को लागू करवाएगी। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो सब्सिडी के अंडर जो इसमें आता है वो आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आता है आपका 50 लाख और सर्विस सेक्टर का आता है 20 लाख। ये एलिजिबिलिटीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और केवीआईसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो केवीआईसी आपकी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टैचुरी बॉडी है, 1957 में इसको सेटअप किया गया था अंडर द एमएसएमई मिनिस्ट्री टू प्रमोट फैसिलिटेट एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया। नेक्स्ट इंडिया हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इसको यूएन अवार्ड मिला है, इसको अवार्ड का नाम है 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड डब्ल्यूएचओ स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। फिर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया गया फाल्गु रिवर पे। तो गया जी जो डैम है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया रूबीना कंपनी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन कलेबरेशन विद नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हैदराबाद की है, और एडवाइस ली गई है आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट से। तो भाई रबर डैम के साथ साथ जो फाल्गु रिवर के क्या बोलते हैं बैंक्स हैं जो तटबंध हैं इनके, उनको भी डेवलप किया गया, एक स्टील ब्रिज भी बनाया गया है पिलग्रिम्स के लिए, ताकि सीताकुंड नाम का जो एक तीर्थ स्थल है वहां पर जो तीर्थ यात्री हैं विजिट कर सके। फाल्गु रिवर की बात करें तो फाल्गु रिवर पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड यहाँ से ओरिजिनेट होती है, गया जो पवित्र शहर है वहां से निकलती है और हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका।
फाल्गु रिवर की लेंथ है 135 किलोमीटर। ये गया के पास एक रिवर है लीलांजन और मोहना, इन दोनों के संगम से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फाइनली ये पुनपुन रिवर जो है उसको ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट खबर, इंक्लूजन ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम स्टेट्स इन एसटी कैटेगरी। तो यूनियन कैबिनेट ने कुछ ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी से, वहां से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में कुछ ट्राइब्स को जोड़ा गया है। तकरीबन 12 कम्युनिटीज हैं उनको जोड़ा गया इस लिस्ट में। इसमें एक है हत्ती कम्युनिटी जो ट्रांसगिरी रीजन में रहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका जो नाम है ये इसलिए क्योंकि ये घरेलू टोपियां बना के बेचते हैं, सब्जियां, मीट, वूल, ये छोटे छोटे जो हाट होते हैं इन हाटों में ये बेचते हैं, इसीलिए इनका नाम हत्ती कम्युनिटी पड़ गया है। इसके साथ साथ कुछ और कम्युनिटी हैं जैसे कि गोंड, ठीक है, जो अपनी 5 सब कास्ट के साथ में भदोही डिस्ट्रिक्ट रहती है यूपी की, वहां आसपास रहते हैं। बेता कुरवा कम्युनिटी है कर्नाटक में, भिंजिया है छत्तीसगढ़ में, नई कुरवन और कुरी विकरण जो है तमिलनाडु में। अगेन इनके नाम पूछा जा सकते हैं और भाई देखा जा सकता है कि भाई कहाँ पे कौन सा सिचुएटेड है, कौन से कहाँ पे लोकेटेड है और भाई किसको इंक्लूड किया गया है। फिर आता है ई बाल निदान पोर्टल, ये क्या है? तो ई बाल निदान एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म है, 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि बच्चों के खिलाफ जो भी वायलेशंस होते हैं उनके अधिकार के खिलाफ वो आप क्या कर सकें, वो नोट किया जा सके। इसके साथ साथ जो शिकायतें चल रही हैं उनका रिड्रेसल कैसे हो रहा है, उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, कैसे उनका निदान हो रहा है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ये जो पोर्टल है इससे जो रिपोर्ट करना है काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, रिड्रेसल प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है, ठीक है, एनसीपीसीआर के द्वारा ये सब चीजें इंश्योर की गई हैं। करंटली एनसीपीसीआर जो है वो सारे स्टेट कमीशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए बने हैं उनको इसका एसेस प्रोवाइड करा रही है। एनसीपीसीआर के बारे में अगर हम जाने, एनसीपीसीआर बेसिकली क्या है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीआर स्टेचुरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, सेक्शन 3 ऑफ कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंदर में इसको सेटअप किया गया था। इनका पर्पज है बच्चों के अधिकार से रिलेटेड और बाकी जो उनसे रिलेटेड मैटर्स रहते हैं, इसका जो मोटो है दैट इज भविष्य और रक्षति रक्षता, ठीक है। इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को, काफी सुना होगा आपने इसके बारे में, एक्ट 2012, इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, मतलब नाबालिग बच्चों से रिलेटेड चीजें भी देखते हैं। एंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009, इसको भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी सेफगार्ड्स हैं इन लॉज के अंडर में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनकी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, ये सब आपका एनसीपीसीआर देखता है। फिर भाई इंडिया ने पहला कंटिंजेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया, तो एपेडा जो है उसने ये फैसिलिटेटेड किया, पहला इंटेलिजेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स का वीगन फूड कैटेगरी में गुजरात से कैलिफोर्निया यानी कि यूएस भेजा गया। एपेडा की बात करें तो एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा अपेक्स ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी है जो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ चॉइस ऑफ एग्रो एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब इंडिया को सेंटर्ड बनना चाहिए। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे फल जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में सबसे बड़ा, ठीक है, तो ये एग्रो और उससे वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स को भी इस लिस्ट में शामिल करना चाह रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इट इंटीग्रेट्स ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ट्रेड इन द कंट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTIS, तो भाई इंडियन रेलवे RTIS को इंस्टॉल कर रही है टू ऑटोमेटिकली ट्रैक ट्रेन मूवमेंट्स इन रियल टाइम। अभी बेसिकली RTS को डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है इंडियन रेलवेज ने और इसरो ने मिलकर। करंटली सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS एक ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में, ये डिजाइन करती है, डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है, मेंटेन करती है सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं। तो RTIS क्या करता है, RTIS इनेबल करता है मतलब ट्रेन को, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इनमें डालता है जिससे ट्रेन के मूवमेंट मतलब ट्रेन का अराइवल कब होगा, ट्रेन का डिपार्चर कब होगा, ठीक है, बीच में स्टेशंस कौन से आएंगे, तो बाकी जितने भी स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे जोड़ के सारी इंफॉर्मेशन ये निकालते हैं। तो ये जो ट्रेन स्पीड है ये कंटिन्यूअसली GSAT की जो सैटेलाइट्स हैं यहां से मिलती जाती है,
ठीक है, इनपे जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन गबन सॉरी जो गगन है वो उसके थ्रू ट्रेन की स्पीड मिलती जाती है। तो इसरो ने जीसैट सैटेलाइट जो है गगन वगैरह इसमें जो पेलोड्स वगैरह है ये लॉन्च किए थे ताकि रियल टाइम मूवमेंट ट्रेन का ट्रैक किया जा सके एंड रिलाइंग द इन्फॉर्मेशन डाउन टू द सेंट्रल लोकेशन सर्विस सीएलएस, जो सीएलएस रहता है वहां तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भेजी जा सके, जो फिर एनटीईएस नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम तक उसको ट्रांसमिट करता है। उसके द्वारा हमें पता चलता है भाई हमारी ट्रेन कहाँ पहुंच गई है और हमारे स्टेशन पे कितनी देर में पहुंच जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट खबर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा। तो भाई 5 वॉल्यूम का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा जो है वो लॉन्च किया गया है। उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज एंड डॉक्यूमेंट देयर हिस्टोरिक एंड यूनिक ट्रेडिशन। ये इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCSTRTI के द्वारा और उड़ीसा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। SCSTRTI के बारे में बात करें तो ये ओल्डेस्ट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आता है इंडिया में। ट्राइबल रिसर्च ब्यूरो TRB के नाम से इसको 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था और बाद में इसका नाम जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCSTRTI 1994 में कर दिया गया। फिर भाई यूएस की तरह इंडिया में भी अबॉर्शन को लेके एक इम्पोर्टेंट खबर आई। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया लीगल अबॉर्शन के बारे में, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन अ मैरिड और अनमैरिड वुमेन अंडर अबॉर्शन लॉ वाज आर्टिफिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूटली अनसस्टेनेबल, कि अबॉर्शन को लेके मैरिड और अनमैरिड के वुमेन के बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि अबॉर्शन अनमैरिड और सिंगल वुमेन के लिए जिनकी प्रेगनेंसी 20 से लेकर 24 हफ्तों के बीच में है वो आप डिनाई नहीं कर सकते। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वो बेसिकली क्या करता है, वो एबॉर्शन को अलाउ नहीं करता अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जिनका 20 से लेकर 24 वीक्स के बीच का प्रेगनेंसी रहती है कंसेक्शुअल सेक्स के बाद। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो Rule 3B है MTP एक्ट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये अनमैरिड वुमेन को डिप्राइव करता है राइट टू एक्सेस सेफ एंड लीगल अबॉर्शन आफ्टर 20 वीक्स, अगर उनको मैटरनल सर्कमस्टेंसेस जो मैरिड वुमेन को भी कई बार फेस करने होते हैं उनके जैसा ही हो रहा है। तो मतलब क्या होता है अगर मान लीजिए बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, वो आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है, तो मैरिड वुमेन है वो उसका अबॉर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर जो अनमैरिड वुमेन है पहले नहीं करा सकते लेकिन अब वो भी करा सकते। Rule 3B जो है उसके अंडर में सिर्फ रेप सर्वाइवर्स माइनर्स वुमेन हुज मैरिड स्टेटस चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेंटली इल वुमेन या फिर वुमेन विद फॉइटल मेलफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम वगैरह अगर वो सबसे फेस कर रही है तो वो अबॉर्शन कर सकते थे। प्रेगनेंसी अगर कंसेंसुअल सेक्स के अंडर में है तो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का तभी अलाउ होगा अगर 20 हफ्ते तक का आपका भ्रूण होगा। तो ये जो डिस्टिंक्शन था अर्लियर वाला इसको सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी माना और इसको हटा दिया। बेंच ने ये बोला कि राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है डिग्निटी एंड प्राइवेसी ये Article 21 के अंडर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अब जो अनमेरिड वुमेन है उन वो चूज कर सकती है कि उनको बच्चा पैदा करना है या नहीं जैसा मैरिड वुमेन करती है। नेक्स्ट, वाराणसी को पहली SCO टूरिज्म कल्चरल कैपिटल के तौर पे डिजिग्नेट किया गया। 22nd मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। वाराणसी को फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द पीरियड ऑफ 2022 एंड 2023 डिजिग्नेट किया गया। इससे वहां टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस होंगे इंडियन एंड अदर SCO मेंबर स्टेट्स के बीच में। चलो अब हम आते हैं भाई इंटरनेशनल खबरों पर। तो भाई मिखाइल गोरबाशेव जो है 91 की एज में उनकी डेथ हो गई। ये कौन थे? ये लास्ट सोवियत मतलब USSR के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कोल्ड वॉर खत्म किया। इनका एक क्रूशियल रोल था कोल्ड वॉर खत्म करने में विदाउट एनी ब्लडशेड। ठीक है, प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के 15 मार्च 1990 से लेकर 25 दिसंबर 1991 तक। उसके बाद USSR का डिसॉल्व हो गया था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ही ऑल्सो सर्व्ड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 टू 1991। इसके साथ जो लिज ट्रस है वो यूके की PM इलेक्ट कर ली गई सिर्फ एक महीने के लिए। और फिर उसका सिग्निफिकेंट इवेंट आता है क्वीन एलिजाबेथ की डेथ एट द एज ऑफ 96 एंड किंग चार्ल्स जो है उन्होंने उसको उनको इंग्लैंड के किंग के तौर पे ही सक्सीडेड। तो भाई ब्रिटेन के साथ साथ जो क्वीन एलिजाबेथ हैं शी रिमेन मोनार्क
ऑफ ओवर 15 कंट्रीज और रियालम्स कहा जाता है, जिसमें आपकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जमैका, एंटीग्युआ, बारबुडा, बहामास, वेलेज, ग्रेनेडा, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस और सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइस एंड टूबुलो आ जाते हैं। इन सारी कंट्रीज में बेसिकली जो राष्ट्रगान वगैरह रहते हैं, करेंसी वगैरह होती है, वो यहाँ की यूज की जाती है। तो भाई जो क्वीन का रेन है, ये सबसे ब्रिटिश मोनार्क की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रहा है। उनके 70 साल के रेन में तकरीबन उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्राइम मिनिस्टर देखे, विंस्टन चर्चिल से लेके लिज ट्रस तक। उसके बाद 14 यूएस प्रेसिडेंट इनके रेन के दौरान आ चुके हैं, ठीक है। उनके रेन जो 1952 में स्टार्ट हुआ था, ड्वाइट आइजनहावर से लेके जो बिडेन तक। इसके साथ साथ ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो भी स्टार्ट हो गया। ये प्लानिंग है पूरी इवेंट्स की, यूके में अगर जो उनका हेड ऑफ स्टेट है उनकी डेथ के बाद में क्या क्या किया जाना चाहिए। फिर आता है यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इंडिया की रैंक आई है 132, कितने में से? 191 में से। काफी खराब रैंक है, रीजन देखते हैं। 2022 की रिपोर्ट है, इंडिया रिपोर्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.633 प्लेसेस, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। तो भाई ये लोअर है, जो इनकी पहली वाली रैंकिंग थी दैट वाज 6.45 2020 की रिपोर्ट में, एक 131st रैंक थी। कितनी कंट्रीज में से? 189 कंट्रीज में से रैंक थी। तो भाई देखो इस रैंक में उन्होंने क्या क्या बताया। इस रैंक में उन्होंने बताया कि ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये चार पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से आपका एचडीआई काउंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो भाई 2021 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडियंस की है वो 69 ईयर से आपका 67 ईयर्स पे गिर गई सर्वे पीरियड के दौरान। ये कोविड पैंडेमिक की वजह से हुआ है, डेडली जो सेकेंड वेव आई थी उसकी वजह से हुआ, जिसके वजह से हजारों मौतें हुई। और फिर दूसरा आता है ड्रॉप इन स्कूलिंग ईयर्स। तो इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स होते हैं इंडियंस के लिए, वो भी 12.2 से लेके 11.9 तक डिक्लाइन हो गए। लेकिन जो मीन एवरेज है स्कूलिंग ईयर्स का, वो आपका 6.5 से कितना हुआ है? 6.9 बढ़ा है। और फिर ड्रॉप इन फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यूएनडीपी के एसडी रिपोर्ट के हिसाब से 11.9 ईयर्स थी, जो पहले 12.9 ईयर्स हुआ करती थी। और फिर ड्रॉप इन फीमेल स्कूल ईयर्स, तो जो स्कूलिंग ईयर्स है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी 12.6 से लेके 11.9 ईयर्स तक ड्रॉप हुए हैं। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसके बाद सेकंड है नॉर्वे, आयरलैंड, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया इन द फिफ्थ प्लेस। अगर हम यूएनडीपी एसडीआई की बात टोटल करें, तो ये किसी भी नेशन की हेल्थ, एजुकेशन और एवरेज इनकम को डिटरमाइन करता है, मेजर करता है। एनुअल सर्वे रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूरा मेजरमेंट रहता है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल कैपिटल, सॉरी इनकम पर कैपिटा, ये भी देखा जाता है। फिर नेक्स्ट खबर आती है आपकी, समांथा क्रिस्टो फेरेटी, फर्स्ट वुमेन ऑफ यूरोप टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 स्पेस एजेंसीज में कोलैबोरेट करती हैं, नासा, जाक्सा, सीएसए, रोस्मोस एंड ईएसए। तो अथॉरिटी एंड यूज ऑफ स्पेस स्टेशन आर इस्टेब्लिश बाय इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। फिर एक और खबर, वॉल्कर तुर्क, ये ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट है, इनको यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इस्टेब्लिश किया गया। गुजराती मूवी शेल्लो शो, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रही ऑस्कर 2023 के लिए। और जॉर्जिया मिलोनी, ये इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर बात करते हैं वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 की। तो 22nd एडिशन जो है कोपेनहोगन में मतलब कंडक्ट किया गया। इसकी थीम थी वाटर फॉर स्मार्ट लाइवलेबल सिटीज। फिर था एशियन पाम ऑयल अलायंस अपोआ। तो भाई एशियन पाम ऑयल अलायंस अपोआ जो है वो ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज हुई आगरा में, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। जो भी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के सुप्रीम लीडर्स हैं एसोसिएशन के, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये सारे के सारे भाई इसमें इनवाइटेड थे। ये मेजर इंपोर्टर्स हैं पाम ऑयल के। अतुल चतुर्वेदी, अडानी विल्मार लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं, उनको एससीए का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान। जो सेक्रेटेरिएट है अपोआ की, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन जो है उन इंडिया की, इनके द्वारा मैनेज किया जाएगा। और जो भी इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट है पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के, वो बेसिकली ये मैनेज करेंगे।
नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो भाई इंडिया जो है वो उसने इनोवेशन इंडेक्स में 6 रैंक जंप कर ली, ठीक है, 50th मोस्ट इनोवेटिव कंट्री के तौर पे जाने जाने लगा। 132 नेशंस इंक्लूडेड थे आपके GII में, 46th रैंक थी 2021 में। 2007 में लॉन्च किया गया GII ग्लोबल स्टेट ऑफ इनोवेशन एंड रैंक को क्या बोलते हैं, देखता है, उनको रैंक करता है उनके अलग अलग चीजों के बेसिस पे। तो ये पब्लिश किया जाता है WIPO के द्वारा इन पार्टनरशिप विद पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर हैं जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एकेडमिक नेटवर्क मेंबर्स वगैरह वगैरह। इसकी थीम थी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। 5 कंट्रीज हैं, सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड, उसके बाद USA, फिर स्वीडन, उसके बाद आती है आपका UK और सबसे लास्ट में आता है नीदरलैंड। तो भाई इंडिया की जो रैंक है, सॉरी हाँ, इंडिया की जो रैंक है वो 40th रही, 41 क्या बोलते हैं, 2015 में उसकी समथिंग 80+ थी, तो 41 रैंक अभी तक आ चुकी है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में। तो ICT जो है क्या बोलते हैं, ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट इंडिकेटर जो होता है उसमें इंडिया की लेके टॉप रैंक। वीपो के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे आती है यूनाइटेड नेशंस के अंडर में। इसके हेडक्वार्टर है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। 1967 में इसको क्रिएट किया गया था टू इंकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इसका एम था। हाँ यार ये सब है तो इसमें इंक्लूडेड। फिर आते हैं आपके स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल के बाद में स्पोर्ट्स आता है आपका। नेशनल गेम्स 2022, एंथम और मैस्कॉट को अनवेल्ड कर दिया गया है 36 नेशनल गेम्स के लिए। मैस्कॉट का नाम है शावज, ठीक है, जिसका मतलब था कब इन गुजराती। इसी के साथ साथ जो नैंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत वो भी लॉन्च कर दिया गया। स्पोर्टिंग ये जो पूरा इवेंट है ये 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक तो होंगे गुजरात की 6 सिटीज में, ठीक है। इसमें इवेंट्स आपके अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में कंडक्ट किए जाएंगे। फिर नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला डायमंड लीग फाइनल में। मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में आता है ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर। 32 डायमंड डिसिप्लिन्स होते हैं इसमें, जिसमें चैंपियनशिप मॉडल में ये लोग इनका पूरा इवेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की दो खबरें, विनोद फोगट जो है उनको ब्रॉन्ज मिला, 2 मेडल जीते उन्होंने टोटल, और बजरंग पूनिया जो है उनको भी ब्रॉन्ज मिला, उन्होंने टोटल 4 मेडल जीते। नेक्स्ट, टेनिस स्टार रोजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट। तो भाई उनका काफी अच्छा खासा वंडरफुल कैरियर रहा है, 103 ATP सिंगल टाइटल जीते हैं, तकरीबन 1251 मैच इन्होंने खेले हैं, 20 ग्रैंड स्लैम इनकी इनके पास रहे हैं, रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, 8 विंबलडन के मैन सिंगल टाइटल इन्होंने जीते हैं। इसके साथ साथ पहला मतलब तकरीबन ये 24 सालों से खेल रहे हैं। इनके पास ATP रैंकिंग्स में 237 वीक तक फर्स्ट रैंक पे रहने की एक रिकॉर्ड है। अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने 2003 में जीता था। फर्स्ट मैन सिंगल प्लेयर टू रीच एट द माइलस्टोन ऑफ 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, मतलब जो पीट सम्प्रास का 14 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड था उसको भी ओवरटेक कर लिया था, और जो लास्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है वो 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था। फिर इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा T20 मैच एक कैलेंडर ईयर में जीतने की उसको भी मतलब कि कवर कर लिया। और फिर आती है पल्ला थुरुती बोट क्लब PBC, 68th एडिशन जो नेहरू ट्रॉफी का है, जो बोट रेस होता है पुन्नामडा लेक में, अलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट केरला में, उसको जीत लिया। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 1952 में पहले देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विजिट हुई थी रीजन में, और उनकी जो बोट राइड की थी अलप्पुझा लेक में, उसको लेके ऑर्गेनाइज की जाती है। फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया AFC यानी कि एशियन कप जो है 2027 में उसको होस्ट करेंगे। कतर जो है वो 2023 में करेगा, और दिलीप तिरकी जो है फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी, उनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया था। अब चलिए आते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई नए रूल्स आए हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के,
उसमें बहुत सारे की कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जैसे बैटरी सेल्स, बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे BMS कहा जाता है, इसमें काफी स्ट्रिंगेंट चेक्स और नॉर्म्स लागू होंगे। तो नए रूल आपके क्या कहते हैं? कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 29 अगस्त को, और नए सेफ्टी जो नॉर्म्स है एक कैटेगरी L व्हीकल्स के लागू होंगे जिनके पास एक इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन होती है। इसके साथ कैटेगरी M, कैटेगरी N के व्हीकल्स के लिए भी, कैटेगरी L में वो व्हीकल्स आते हैं जिनके 4 से कम पहिए होते हैं, क्वाड्रोसाइकिल वगैरह आ जाती हैं, जबकि कैटेगरी M और N में 4 व्हीलर व्हीकल्स आ जाते हैं जो सामान भी ढोते हैं और पैसेंजर्स को भी ले जाते हैं। तो ये कैटेगरी जो अभी पूछी जा सकती है। कुछ जो नॉर्म्स आए उसमें क्या क्या है? सबसे पहला भाई सेफ्टी फ्यूज, एक मैंडेटरी इंक्लूजन कर दिया गया है, क्या बोलते हैं, सेफ्टी फ्यूज का, जो तुरंत ग्लो हो जाएगा, तुरंत मतलब एकदम से हट जाएगा, इमिडिएटली बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर पावर ट्रेन में एक्सेसिव हीट जनरेशन हो रहा है या फिर ज्यादा करंट का आउटफ्लो हो रहा है। कुछ सेंसर्स भी लगाए गए हैं, 4 एडिशनल मैंडेटरी सेंसर्स हैं। बैटरी सेल्स के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और एडिशनल BMS फीचर्स, सारे के सारे 2 व्हीलर जो हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगाई जाएगी जिसके अंदर नया एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, ओवर वोल्टेज वाले फीचर्स रहेंगे, ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे ही होगा वैसे ही तुरंत अलार्म वगैरह सेंसर्स वगैरह जनरेट करेंगे। इसके साथ साथ ओवर चार्जिंग होने पर ऑटो कट का फीचर भी लागू होगा कि भाई ओवर चार्जिंग है तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद कर दी जाए। फिर इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, तो डार्क स्काई रिजर्व जो है वो 3 महीने की कैटेगरी में लद्दाख के हैनले जो वाइल्ड लाइफ, हैनले जो है शांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, उसके अंदर डेवलप की जाएगी। ये सेंचुरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलोर के कोलेबोरेशन में डेवलप की जाएगी। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, इसको हम नाइट स्काई सेंचुरी भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक स्पेशली डिस्टिंग्विश नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब रात का एनवायरनमेंट रहता है जिसमें तारों वाली रात आप देख सकते हैं अपने किसी भी साथी के साथ में। तो जो सेंचुरी है इज ऑल्सो डेवलप्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिमिट एंड लाइट पॉल्यूशन दैट मे डिग्रेड द एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रो टूरिज्म। यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म डेवलप करने की बात चल रही है, तो पॉल्यूशन कम होना चाहिए तभी आप तारों को अच्छे से देख सकते हैं। अब हाँ, इसके साथ साथ डार्क स्काई रिजर्व की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, बेसिकली जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन यानी कि IDSA ने जारी की है, तो भाई ये कहती है कि ऐसी सेंचुरी जिसमें कोर मीटिंग एरिया होना चाहिए जो स्काई क्वालिटी के बेसिक क्राइटेरिया को मीट करती हो, नेचुरल डार्कनेस को मेंटेन करती हो, इसके साथ साथ एक पेरिफेरल एरिया भी होना चाहिए, ठीक है, जो डार्क स्काई प्रिजर्वेशन को कोर को बचा सके। नेक्स्ट, HDFC बैंक इश्यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो HDFC बैंक जो है ये पहला बैंक बना इंडिया में टू इश्यू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL। EBG विल बी इश्यूड थ्रू एन API बेस्ड डिजिटल वर्कफ्लो ऑन NESL पोर्टल। EBG बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की नीड को एलिमिनेट करती है जो बैंक गारंटी के साथ में जुड़ी होती है, और बेनिफिशियरी को डिजिटली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। EBG जो है वो NESL, CVC, CBI कमेटी, IBA की कंसल्टेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया है। EBG PDF फाइल के तौर पे आपको इश्यू की जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह सिक्योर्ड रहते हैं, वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। फिर इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस, तो भाई देखो ह्यूज कम्युनिकेशंस है इंडिया, HCI, उनका कोलैबोरेशन हुआ है इसरो के साथ में, और ऑफिशियली इन लोगों ने क्या किया है, इंडिया की पहली हाई थ्रोअर सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस की है। HTS सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, सॉरी HTS टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, तो HTS क्या करता है, ऑर्बिट्रल जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है और कॉस्ट पर बिट कम कर देता है, ठीक है, मतलब ये लोअर कॉस्ट बैंडविड्थ क्या बोलते हैं प्रोवाइड कराती है विद हाई यूजर एक्सपीरियंस। स्पॉट बीम इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ट्रेडिशनल जो सैटेलाइट होती हैं वो ब्रॉड सिंगल बीम को यूज करती है या फिर फ्यू बीम्स को करती है। स्पॉट बीम टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड एरिया पे फोकस करती है और सीमलेस और फास्ट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कराती है। फिर इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, नहीं ऐसा एक और मिस हो गया, हाँ हाँ जो HCI है
ये इंडियन आर्मी को भी क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो एलएसी के आसपास पेट्रोलिंग करती है, जो बाकी रिमोट बॉर्डर पोस्ट होती है स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अभी टेलीकम्युनिकेशन जो 4G ऑपरेटर्स हैं वो आपकी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक ये आपके एसटीएस के सर्विस के कस्टमर्स। फिर इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये 165 करोड़ की लागत से चेन्नई के मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बनाया गया। ठीक है, इंडिया जो अपनी रिक्वायरमेंट है लिथियम की वो चाइना से, साउथ कोरिया से, वियतनाम और हांगकांग से प्रेजेंटली मंगाती है, लेकिन जैसा अभी खबरें आई थी कि जेएनके में एक बहुत बड़ा भंडार मिला है, तो अगर वो सच है और वो एप्लीकेबल है, फिजिबल है, तो भाई इंडिया को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन आर्मी इंस्टॉल सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एट सियाची, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटल फील्ड। तो भाई देखो, ये जो फीट है ये इंडियन आर्मी की 14 कॉप्स है, जैसे फायर ऑफ फ्यूरी कॉप्स कहते हैं, यानी कि सियाचिन सिग्नलर्स, इनके द्वारा किया गया है। फायर ऑफ फ्यूरी कॉप्स जो है वो पूरे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को देखते हैं, कारगिल लेह बॉर्डर के आसपास, कारगिल लेह के आसपास, और जो चाइना पाकिस्तान वाले दोनों बॉर्डर हैं इनको देखते हैं, मतलब सियाचिन ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई इंडियन आर्मी की नदन कमांड है, उसमें ये आते हैं, ये जितने भी सियाचिन रीजन के डेलिकेट रीजन है उनको देखना इनका काम है। PBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, यही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है सियाचिन ग्लेशियर फ्रंटियर पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भारत नेट प्रोजेक्ट जो है जिसमें तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत है अक्रॉस इंडिया, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। BBNL के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेट कनेक्टिविटी है आर्मी को सियाचिन में मिल रही है, ये इन्हीं के द्वारा करवाई जा रही है। इसके साथ साथ भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया उसको तो इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं। अब इसरो सक्सेसफुली टेस्ट हाइब्रिड मोटर। तो भाई एक हाइब्रिड मोटर जो इसरो ने है वो टेस्ट की है नए प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करने के लिए रॉकेट के लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड अ हाइब्रिड मोटर। इसका एम है नए प्रोपल्शन सिस्टम को अपकमिंग लॉन्च व्हीकल्स के लिए डिस्कवर करना, मतलब ठीक है। तो टेस्ट जो है वो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी में कंडक्ट किया गया इन तमिलनाडु, सपोर्टेड बाय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC। द मोटर यूज लिक्विड ऑक्सीजन एलॉक्स एज ऑक्सीडाइजर एंड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HPPBS फ्यूल। सब जगह से क्वेश्चन बनते हैं भाई। नेक्स्ट इज फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत इन इंडिया, केरला पुलमपुरा। तो एक फुली डिजिटल लिटरेसी जो है पुलमपुरा पंचायत, डीजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट जो है, इसके अंदर 3,300 रेसिडेंट्स हैं 14 से लेकर 65 एज ग्रुप के बीच में, उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई। 8,800 और गवर्नमेंट सर्विसेज हैव बीन मेड अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑनलाइन एंड द डिजिटली लिटरेट पॉपुलेशन कैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दैट। फिर इंडिया की पहली इंट्रा नेजल कोरोना वैक्सीन, तो भाई इसका नाम है इनकोवैक्स, भारत बायोटेक ने इसको बनाई है, DCGI का अप्रूवल मिल चुका है। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के तौर पे जिन भी 18 साल से ऊपर के लोगों को इन्फेक्शन है कोविड का वो इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो नाम रखा गया है वो एक दूसरा नाम भी है, SARS-CoV-19। फिर नासा डार्ट हिट एस्टेरॉइड। तो भाई डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। स्पेस क्राफ्ट जो है आपका हिट द एस्टेरॉइड डाइमॉर्फोस, ये जो एस्टेरॉइड है डाइमॉर्फोस इसमें ये टकराएगा, ठीक है। जो एक दूसरा आपका क्या बोलते हैं एस्टेरॉइड है डिडिमोस, उसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो मिशन जो है सक्सेसफुल था, इसमें करना क्या था, जो ट्रेजेक्ट्री थी इन दोनों की, इन दोनों को चेंज करना था, भाई ये इसमें टकराएगा ये आगे से टकराएगा ऐसा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू चेंज द पाथ ऑफ डायमॉर्फोस, डायमॉर्फोस का पाथ चेंज करना है काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक या फिर किक टेक्निक के द्वारा। काइनेटिक टेक्निक जो रहती है वो बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स को अर्थ से टकराने से बचाती है, उनका जो पाथ है उसको चेंज करके। फिर आता है IDF वर्ल्ड डेयरी समिट, मतलब अब आपके इन्वायरमेंट इकोनॉमी के स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई IDF का वर्ल्ड डेयरी समिट जो है वो हुआ 2022 का इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ। पीएम मोदी ने इसको क्या बोलते हैं इनॉग्रेट किया। इसकी थीम रही है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भाई जो लागू की गई है इसके बारे में क्या है,
तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश में बहुत ज्यादा है बाकी डेवलप्ड इकोनॉमिक्स की कंपैरिजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। तो गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू करनी चाहिए, इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, जिससे वैल्यू एडिशन होगा, एंटरप्राइज वगैरह बढ़ेंगे। तो इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स, भाई देरी ना हो चीजें सप्लाई करने में, तो एग्रो प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होने चाहिए। इनेबलिंग क्विक लास्ट माइल डिलीवरी, जहां मतलब आपको यहाँ बड़े सेंटर से अगर छोटी सी मंडी तक पहुंचाना है तो भी पहुंचा सकते हैं। डिमिनिश ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस, सेव टाइम एंड मनी फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, इंक्रीज अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ मेक इंडिया मोर एफिशिएंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर। इसमें कुछ और चीजें ऐड करी गई हैं, जैसे इसमें ई संचित ऐड किया गया है। ई संचित क्या है? पेपरलेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड प्रोसेसेस हैं, फेसलेस असेसमेंट कस्टम्स के लिए रोल्ड आउट किए गए हैं, और उसके साथ साथ ई वे बिल जो है और फास्ट टैग जो है आपका, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू इम्प्रूव द एफिशियंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स सेक्टर। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने कन्वर्जेंस पोर्टल को लॉन्च किया, जॉइंटली लॉन्च किया है कन्वर्जेंस पोर्टल को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFME स्कीम, और इसके साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के साथ ही साथ में है। तो भाई आपकी AIF बेसिकली क्या है? ये स्कीम क्या करती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू प्रोजेक्ट्स वगैरह को, यानी कि जो आपकी फसल कटने के बाद में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए होता है, कम्युनिटी फार्मिंग ऐसे टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं उसके लिए हेल्प करती है। दूसरा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम, तो ये जून 19, 2020 को लॉन्च की गई थी टू एम्पावर द अनऑर्गेनाइज माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड कंटिन्यू टू फुलफिल द एम ऑफ फॉर्मलाइजिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड सेलिब्रेटिंग देयर ट्रेमेंडस सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी। सबसे लास्ट में PMKSY प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये एक पैकेज है जिसकी वजह से जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इफिशियंट सप्लाई चेन को आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें खेतों से डायरेक्ट रिटेल आउटलेट तक आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सके। और भाई सबसे लास्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो गतियाना दिवड़ एक नई कैंकड़े यानी कि क्रैब की स्पीसीज है जो पाई गई उत्तर कन्नड़ में, इसका नाम क्या गया है? गतियाना दिवड़, मतलब दिवड़ दो रंगों वाला, ठीक है, ये येलापुर तालुक है उत्तर कन्नड़ का, वहां पाई गई है 75th क्रैब स्पीसीज है इंडिया में, और ये वाइल्ड लाइफ एंथुसिएस्ट है, फोटोग्राफर उनका नाम है गोपाल कृष्ण हेगड़े और एक फॉरेस्ट गार्ड के उनके साथ में परशुराम भजंत्री, उन्होंने खोजी है इसको। तो ये फ्रेश वाटर क्रैब की कैटेगरी में आता है, घटिया एगनस नाम का जो इनका ग्रुप है उसको बिलोंग करता है। इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है इसका कलर, इसका पूरा सिर वगैरह जो है व्हाइट है और बाकी जो है वो है इसका पर्पल बॉडी, इसीलिए इसको दो रंगों के आधार पे दिवड़ नाम रखा गया है जो संस्कृत में है, ठीक है। दिवड़ इज फाउंड इन द होल्स फाउंड इन लैटराइट रॉक्स जो होते हैं, जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट के नीलगिरी और गोवा के जो रीजन है वहां पाया जाता है। ये काई वगैरह खाता है, मोलैस एल्गी वगैरह और छोटे छोटे मॉस्किटो फैमिली के जो इंसेक्ट्स उनको भी खाता है, ठीक है। तो इसका नाम हेगड़े और भजंतरी दोनों ने साथ में रखा, दिवड़ द्वि मतलब संस्कृत वर्ड विच मीन्स द्वि, टू एंड वर्ड मीन्स कलर्स, मतलब इसको टॉर्डिक्रोमेटिक भी कहा जाता है। फिर इंडिया का पहला बायो विलेज त्रिपुरा के दासपुरा में बनाया गया, ठीक है, ये एक छोटा सा हेमलेट है जिसमें 64 फैमिलीज हैं आपकी, एग्रीकल्चरल और फैसिलिटी और क्या नाम है फिशरीज पे डिपेंडेंट है ये, ये बेसिकली नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और लाइवलीहुड इनका रहता है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देना में, ठीक है। इसके साथ साथ ये वन ऑफ द फर्स्ट बायो विलेजेस हैं जो बायो विलेज 2.0 के कंसेप्ट पे त्रिपुरा में डेवलप किए गए हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए। नेक्स्ट, चाइना ने वर्ल्ड का पहला क्लोन व्हाइट आर्कटिक वॉल्फ माया बनाया। तो आर्कटिक वॉल्फ जो है ये बेसिकली कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड जो हाई आर्कटिक टुंड्रा की कैटेगरी में आते हैं वहां बिलोंग करते हैं। वॉल्फ का नाम है माया और ये जो इसका डोनर सेल है ये एक स्किन सैंपल से आया है, एक वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वॉल्फ है एंड इट्स ओकेट वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम फीमेल डॉग।
आर्कटिक वॉल्फ है, ये पोलर या व्हाइट वॉल्फ की कैटेगरी में आते हैं, ये सब स्पीसीज है ग्रे वॉल्फ की, जो हाई आर्कटिक टुंड्रा जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है कनाडा का, वहां पाया जाता है। और ये बनाया है क्लोनिंग से। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ईदर थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। इसको ही क्लोनिंग आपका कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी भाई आपके क्या बोलते हैं जो बनाए जाते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स निकालना आर्टिफिशियली। अगर आपको पता होगा डॉली नाम की भेड़ जो थी, वो शी वॉज द फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी क्लोन, ठीक है। स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था 1966 में। फिर इंडिया की पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो तमिलनाडु ने क्या किया, उन्होंने देश का पहला जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो पाक बे में है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कोस्टल वाटर्स हैं आपकी थंजावुर और पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है, जिनके अंदर 448 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है, वहां बनाया जाएगा, ठीक है। पाक बे जो रीजन है, इसमें जो डुगोंग स्पीसीज है जो काफी क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है, और उसके जो मेरीन हैबिटेट्स उनको बचाया जाए। तो अभी तकरीबन 240 डुगोंग्स इंडिया में है, तमिलनाडु कोस्ट के आसपास पाए जाते हैं। इनको अगर हम बचाएंगे तो भाई जो सी ग्रास बैड होते हैं, बैड्स होते हैं, जो ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड होते हैं बहुत सारे फिशेज के और मरीन फौना के, वो भी बचेंगे, ठीक है। और डुगोंग्स के बारे में बात किया जाए तो ये हर्बी बोरस मैरीन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सी ग्रास बेड के आसपास ही ज्यादा पाए जाते हैं। इनको सेफ गार्ड कर रखा है शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ये हैबिटेट लॉस की वजह से डेंजर में है, इसीलिए इनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या बोलते हैं, डुगोन डाई नाम की एक फैमिली होती है, उनकी मेंबर्स में से लास्ट के कुछ मेंबर्स बचेंगे, ठीक है। जो डुगोंग होते हैं ये साइरेन की कैटेगरी में आते हैं, जो तकरीबन 40 कंट्रीज हैं जो इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन में यहाँ पाए जाते हैं। फिर भाई आ जाती है आपकी थर्ड लास्ट खबर, फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड रीजन। तो भाई जो रानीपुर टारगेट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो नदन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है आपके, जहां पर मेगा फौना टाइगर पाया जाता है, बियर, सांबा, रेप्टिलिया, लियोपोड, स्पॉटेड डियर और डाइवर्स एविफौना या बाकी मेमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर ये रिजर्व एरिया लोकेटेड है। तो भाई यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइगर रिजर्व के ओपन होने से इको टूरिज्म जो है वो भी आपका डेवलप होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी, इकोनॉमिकल बेनिफिट जो है लोकल कम्युनिटीज को वो भी मिलना स्टार्ट होंगे। फिर एक एमओयू साइन किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल एविएशन ग्रुप के बीच में। सिग्निफिकेंस आईएसए का क्या है? आईएसए 21 सिग्नेटरी कंट्रीज का एक अलायंस है, जिसमें 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें कई सारी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। आईएसए बेसिकली सोलर एनर्जी के एफिशिएंट कंजप्शन के लिए बनाया गया है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। कॉस्ट इफेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल सॉल्यूशंस जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मेंबर कंट्रीज के साथ में बनाने हैं, डिलीवर करने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके ICAO, ये डेडिकेटेड है टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इन एविएशन सेक्टर थ्रू इट्स इनिशिएटिव एंड गोल। सबसे लास्ट आइकेरिया न्यू कैटफिश स्पीसीज। तो भाई नई कैटफिश की स्पीसीज है जो बिलोंग करती है जेनस पेंगस कैटेगरी को, ये पाई गई है मेट्टूर डैम सलेम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, बाय द ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ICRNPFGR के द्वारा। मेट्टूर डैम के बारे में बताऊं मैं आपको, तो मेट्टूर डैम लार्जेस्ट डैम है सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है। यहीं के साथ आपके समाचार समाप्त होते हैं सितंबर महीने के, ठीक है। तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि देखो बहुत जरूरी है, बस बचे हैं हमारे पास में कितने दिन, बस वही बचे हैं 20 दिन, मुश्किल से 20 दिन है। मेहनत कर लो, अच्छे सब कुछ हो जाएगा। इन सारे करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिविजन्स लगाओ, अच्छे से सुनो समझो, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के और जो बाकी भी मैंने QS सीरीज अपलोड कर रहा हूँ उस पर भी फोकस करो भाई, वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देखो उनको समझो, उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में है। दूसरी चीज, एक हफ्ते बाद नए CDS और NDA बैच, यानी कि CDS एंड NDA 2 2023 के लिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे,
बैच आपका 1 मई से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम, उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम और भाई यूट्यूब, इन सब पे उस बैच के बारे में सारी डिटेल्स डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो भाई टेक योर प्रथम पग टुवर्ड्स एकेडमी विद नन अदर देन द डिफेंस उस्ताद यानी कि अरुण सिंह तोमर। चलिए, जय हिंद।